बात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। तो पहले हम ये जानें कि वचन किसे कहते हैं। वचन उन शब्दों को कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो, यानी कि वह वस्तु या व्यक्ति कितने संख्या में है, वो एक है या एक से ज्यादा है। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में वैसे शब्द आते हैं जिनकी संख्या एक हो, केवल एक। और बहुवचन में वैसे शब्द आते हैं जिनकी संख्या या तो एक हो, या तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार, पांच, कुछ भी हो सकती है, यानी कि एक से ज्यादा जितने भी संख्या हैं सबको हम लोग बहुवचन बोलेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या जाना, एक वचन में केवल एक संख्या आती है और बहुवचन में बहु, बहु मीन्स बहुत सारे, एक से ज्यादा, वैसे शब्द आते हैं बहुवचन में। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ एक एक्टिविटी प्रस्तुत किया है जिसमें हम लोग वचन के बारे में अच्छे तरीके से जान सकेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजें रखी हुई हैं जिसमें एक तरफ हम लोगों ने एक वचन यानी कि संख्या एक, वैसे वस्तुएं जिनकी संख्या एक हो उनको रखा है, और दूसरे में बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार, पांच, कितने भी, यानी कि एक से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने बहुवचन में रखा है, ऐसे चीजों को। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमने रखा है, ये है किताब। क्योंकि ये किताब एक है इसलिए हम लोगों ने इसे एक वचन में रखा है, और यहाँ पे एक दो किताबें हैं तो इसे हम लोग बहुवचन बोलेंगे, यानी कि किताब का किताबें। फिर है यहाँ पे, ये क्या है, पैसा, एक पैसा है यहाँ तो इसे हम लोगों ने एक वचन में रखा है, यहाँ पे एक दो तीन है यानी कि एक से ज्यादा है इसलिए हम लोग इसे बहुवचन में रखेंगे। तो पैसा, सिक्का का सिक्के, वैसे यहाँ एक कलम है, एक वचन, इसका बहुवचन हो जाएगा, एक से ज्यादा कलम है यहाँ पे तो कलमे। ये है तारा, यहाँ पे कितने तारे हैं, सिर्फ एक तारा है, एक तारा तो एक वचन हुआ, तो इसका बहुवचन क्या होगा, इतने सारे तारे हैं तो तारे, तारा का तारे, तारा एक वचन, तारे बहुवचन। ऐसे ही बच्चों, आप लोग घर पे भी कोई भी संख्या एक का ज्ञान, कोई भी चीज़ लेके उन्हें गिन के एक वचन और बहुवचन की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप लोग घर पे एक से ज़्यादा हैं तो आप लोग इसे अपने भाई बहन के साथ, जैसे कोई एक यहाँ खड़ा रहेगा एक वचन में और एक से ज़्यादा होगा तो बहुवचन में खड़े रहेंगे, तो ये हो गया एक का अनेक। ऐसी एक्टिविटी आप लोग घर पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।